हाय, माय सेल्फ डॉक्टर सीमा पारिक। आज का हमारा टॉपिक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन लीवर सेल्स बाय गार्नियर एंड ही नेम्ड एर्गेस्टोप्लाज्म। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सबसे पहले लीवर सेल्स में ऑब्जर्व किया गया गार्नियर के द्वारा। गार्नियर ने इसे एर्गेस्टोप्लाज्म कहा। उसके बाद पोर्टर, फुलम एंड कॉलम ने इसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिस्कवर्ड किया और इसका नाम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की डेफिनेशन, देयर इज ए नेटवर्क ऑफ फ्लैट ट्यूबल्स एक्सटेंडिंग फ्रॉम द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चपटी कोशिकाओं का एक पूरा नेटवर्क है कोशिका के अंदर, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक एक्सटेंड या फैली रहती है। इसका अदर नेम है साइटोस्केलेटन ऑफ सेल्स, यानी इसे कोशिका का कंकाल तंत्र भी कहते हैं, क्योंकि जो भी अभी हमने बात करी कि पूरी ट्यूब्यूल्स का नेटवर्क होता है, तो इसी तरह से ये पूरे एक सेल्स को स्केलेटन की तरह सपोर्ट देती है, शेप देती है, इसीलिए इसे कोशिका का कंकाल तंत्र कहते हैं। हेल्प इन इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट, यह परिवहन में सहायक होती है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रही है। ER इज फॉर्म्ड फ्रॉम द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसका निर्माण कैसे होता है कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की आउटर मेम्ब्रेन होती है, जैसे ये है, ये इनर वाली मेम्ब्रेन है, इसकी आउटर मेम्ब्रेन से बल्ब लाइक स्ट्रक्चर के रूप में होती है, तो इन बल्ब लाइक स्ट्रक्चर से ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फॉर्मेशन होता है। RBCs और स्पम्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट होती है, यानी कि RBCs में और स्पम्स की बात करें तो यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेड अप ऑफ सिस्टर्नी वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिस्टर्नी वेसिकल और ट्यूब्यूल से मिलकर बनी होती है। इन तीनों को हमने अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर दिया सिस्टर्नी वेसिकल और ट्यूब्यूल्स में। अब इसके स्ट्रक्चर में हम देख रहे हैं कि जो सिस्टर्नी की स्ट्रक्चर बनाई है वो लॉन्ग और फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है। वेसिकल्स राउंड स्ट्रक्चर है, सर्कुलर है, स्मॉल है, और ट्यूब्यूल्स है जो लॉन्ग और सिलेंडर शेप है। तो फर्स्ट डिफरेंस तो इनके स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहा है कि ये लॉन्ग और फ्लैटेंड है, ये स्मॉल और सर्कुलर है, ये लॉन्ग और सिलेंड्रिकल है। सेकंड है कि इसके सरफेस पर राइबोसोम्स बनाए हैं, ये जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर है इसे राइबोसोम्स है, तो इसकी सरफेस पर राइबोसोम्स पाए जाते हैं। इसकी सरफेस पर भी राइबोसोम है तो इसकी सरफेस पर भी राइबोसोम पाए जाते हैं, यहाँ पर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं। थर्ड है, यहाँ पर कोई ब्रांच नहीं है तो ये अनब्रांच्ड होते हैं। इसकी भी कोई ब्रांच नहीं है, ये भी अनब्रांच्ड होते हैं। यहाँ पर इनकी ब्रांच जो प्रेजेंट है तो ये ब्रांच्ड होते हैं। फिर ये जो राइबोसोम्स हैं ये इसकी सरफेस पे अटैच होते हैं। इसकी सरफेस पर ये अटैच जो हो रहे हैं वो राइबोफोरिन फर्स्ट और राइबोफोरिन सेकंड के द्वारा अटैच होते हैं। तो इसमें राइबोफोरिन फर्स्ट और राइबोफोरिन सेकंड प्रेजेंट होते हैं। वेसिकल्स में भी राइबोसोम प्रेजेंट है तो इसमें भी राइबोफोरिन फर्स्ट और राइबोफोरिन सेकंड प्रेजेंट होंगे, और ट्यूबल्स में राइबोसोम एब्सेंट है तो राइबोफोरिन फर्स्ट और राइबोफोरिन सेकंड एब्सेंट होते हैं। राइबोफोरिन एक ट्रांसमेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन है जिसके द्वारा राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर अटैच रहते हैं। फर्स्ट लॉन्ग फ्लैटेंड एंड अंडरब्रांच स्ट्रक्चर है, ये स्मॉल एंड सर्कुलर और अनब्रांच स्ट्रक्चर है, लॉन्ग सिलेंड्रिकल और ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है। सेकंड है, राइबोसोम प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ ER प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम प्रेजेंट हैं, राइबोसोम एब्सेंट हैं। थर्ड, राइबोसोम्स आर अटैच टू द सरफेस ऑफ ER बाय राइबोफोरिन फर्स्ट और राइबोफोरिन सेकंड, राइबोफोरिन फर्स्ट एंड राइबोफोरिन सेकंड प्रेजेंट, राइबोफोरिन फर्स्ट एंड राइबोफोरिन सेकंड एब्सेंट। राइबोफेरेंस हमने बताया क्या है, ट्रांसमेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, ट्रांसमेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन है। इसके बाद है टाइप ऑफ ER। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार की होती है, RER, SER। R फॉर रफ, S फॉर स्मूथ। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
रफ का मतलब है कि यहाँ ने कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर राइबोसोम्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस रफ हो जाती है, इसीलिए से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। यहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम्स नहीं पाए जाते हैं, इसलिए उसकी जो सरफेस है वो स्मूथ रहती है। तो इसी के राइबोसोम्स के बेस के आधार पर से RER और SER में डिफ्रेंशिएट किया जाता है। तो फर्स्ट राइबोसोम प्रेजेंट है, राइबोसोम एब्सेंट है। अब जहाँ राइबोसोम प्रेजेंट है तो राइबोसोम्स को अटैच जो होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे किसकी वजह से होते हैं, राइबोफेरिन फर्स्ट और राइबोफेरिन सेकंड की वजह से, तो ये दोनों भी यहाँ प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर राइबोसोम नहीं है तो ये दोनों राइबोफेरिन फर्स्ट और राइबोफेरिन सेकंड एब्सेंट होते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टेबल होती है जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अनस्टेबल होती है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस या न्यूक्लियस के पास स्थित होती है, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नियर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नज़दीक उपस्थित होती है। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, टोटल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का 2/3 पार्ट होती है, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टोटल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का 1/3 पार्ट होती है। मेनली प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सिस्टर्नियन वेसिकल्स, ये सिस्टर्नियन वेसिकल्स के रूप में उपस्थित होती है। अभी हमने डायग्राम में भी यही देखा था कि सिस्टर्नियन वेसिकल्स के डायग्राम पर बाहर हमने राइबोसोम्स प्रेजेंट दिखाए हैं। प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ट्यूब्यूल्स, ये ट्यूब्यूल्स के रूप में उपस्थित होती है जहाँ पर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं थे, यानी कि एबसेंट होते हैं। इनका फंक्शन में क्या डिफरेंस है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प इन प्रोटीन फॉर्मेशन, प्रोटीन के निर्माण में, क्योंकि जहाँ राइबोसोम है राइबोसोम्स के द्वारा ही प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, तो हेल्प इन प्रोटीन फॉर्मेशन। हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, लाइसोसोम के निर्माण में भी सहायक होते हैं। फॉर्मेशन ऑफ SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी फॉर्मेशन करते हैं। SER की बात करें तो हेल्प इन कार्बोहाइड्रेट, ये प्रोसेस कहलाता है। कार्बोहाइड्रेट का जब फॉर्मेशन होता है उस प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। फिर हेल्प इन लिपिड फॉर्मेशन, लिपिड फॉर्मेशंस इसकी फॉर्मेशन को क्या कहते हैं, लिपोजेनेसिस कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड स्टीरॉयड, इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल और स्टीरॉयड के फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ विटामिन सी, विटामिन सी में भी कौन सा वाला, एस्कॉर्बिक एसिड के फॉर्मेशन में ये हेल्प करते हैं। हेल्प इन डिटॉक्सिफिकेशन, यानी कि ये अनवांटेड सब्सटेंस को बाहर निकालने का या बॉडी को डिटॉक्स करने का, सेल को डिटॉक्स करने का कार्य करते हैं, यानी कि कोशिका से बाहर निकालने का कार्य करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।